आज आप लोगों से मैं एक सवाल करता हूँ। सवाल करने से पहले आप दो वीडियोस देखो। हेलो दोस्तों मेरा नाम है अजय के मीना। अब इन दो वीडियोस में से आप कौन सा वीडियो देखना ज्यादा पसंद करोगे? एक वीडियो जो एवरेज क्वालिटी का वीडियो है बस उसका ऑडियो बहुत अच्छा है, और एक एवरेज क्वालिटी का ऑडियो जिसका वीडियो बहुत अच्छा है। अपना जवाब जो भी हो कमेंट करके बताना। आई थिंक आप में से अधिकतर लोगों ने चूज किया होगा कि वीडियो क्वालिटी भले ही एवरेज हो बट हमें ऑडियो एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए, क्लियर सुनाई देना चाहिए कि अगला बोल क्या रहा है, पूरा मैसेज कन्वे होना चाहिए। बट फिर भी हम जब वीडियो शूट की बात करते हैं, जब यूट्यूब चैनल बनाने की बात करते हैं, तो हम कैमरे के बारे में तो रिसर्च करते हैं, महंगा कैमरा भी ले लेते हैं लाख रुपए तक का, बट ऑडियो को इग्नोर कर देते हैं। वहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि कैमरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर सिर्फ यूट्यूब वीडियोस की बात करो तो ऑडियो ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स तो ऐसे हैं जिनमें कैमरा काम ही नहीं आ रहा था, सिर्फ वो वॉइस के दम पे ही वो चैनल चलते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता हूं अपनी वॉइस एडिटिंग के लिए, और मैं कौन से एडिटिंग प्लगइन वगैरह काम में लेता हूं, और मैं कैसे अपना ऑडियो एडिट करता हूं ताकि वो ज्यादा अच्छा साउंड करे और क्रिस्पी क्लियर साउंड करे। क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ माइक महंगा परचेज करने से कुछ नहीं होगा, माइक आपको जो साउंड देगा उस साउंड को आप एडिट कितना अच्छे से कर सकते हो उस पर भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर बात हम वीडियो की करें तो वीडियो बिना एडिटिंग के कुछ ऐसा लगता है और एडिटिंग के बाद में कुछ ऐसा लगता है। एडिटिंग बहुत मैटर करती है, चाहे वो वीडियो हो या ऑडियो। मैं माइक कौन सा यूज करता हूँ इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। बाकी एडिटिंग कैसे करते हैं चलिए वो जानते हैं। तो अब सबसे पहले हम करेंगे नॉइस रिडक्शन। नॉइस रिडक्शन के लिए हम एक सैंपल ले लेते हैं। इसके लिए नॉइस रिमूवल में जाके नॉइस रिडक्शन गेट नॉइस प्रोफाइल, उसके बाद में पूरे क्लिप को सिलेक्ट करके वहीं पे नॉइस रिडक्शन वापस जाके नॉइस रिडक्शन पे ओके कर देंगे। इससे हमारा नॉइस रिडक्शन हो जाएगा। अगर आपको दोबारा नॉइस रिडक्शन अप्लाई करना है तो आप कंट्रोल आर प्रेस करके भी वापस से अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नॉइस ज्यादा है। हेलो दोस्तों, अभी हम एक ऑडियो रिकॉर्ड करके देखने वाले हैं कि बिफोर एंड आफ्टर। अब नॉइस तो रिमूव हो चुकी है, अब हम देंगे थोड़ा बेस एंड ट्रेबल। तो उसके लिए ईक्यू में जाके ग्राफिक ईक्यू में जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हो ये हैं लोज आपके जिस, और ये हैं हाईज। लो होता है वो बेस होता है और हाई ट्रेबल होता है, और जो वोकल्स हैं आपके वो मिडल में होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बेस ज्यादा चाहिए तो आप लोज को ऊपर करो, और अगर ट्रेबल ज्यादा चाहिए तो आप हाईज को ऊपर कर सकते हैं। जैसे अगर हम प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं अगर हम चाहें ट्रेबल और लोज को हाई करके। हेलो दोस्तों, अभी हम एक ऑडियो रिकॉर्ड करके देखने वाले हैं कि बिफोर। अब अगर हम एक बार बेस बढ़ा के, जैसे बेस को हम फुल करके भी प्रीव्यू करके देखेंगे कि बेस अगर ज्यादा बढ़ा देते हैं तो कैसा लगता है। अभी कंप्लीट करके फिर से प्रीव्यू लेते हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम एक ऑडियो रिकॉर्ड करके देखने वाले हैं कि बिफोर एंड आफ्टर एडिटिंग ये कैसे होने वाला। आप समझ गए होंगे कि बेस कहाँ से बढ़ेगा और ट्रेबल कहाँ से बढ़ेगा। तो आप अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग, जैसी आपकी वॉइस है, जैसा आपका टेस्ट है, उस हिसाब से आप बेस और ट्रेबल को सेट करके यहाँ पे ग्राफिक व्यू में। आपको शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, उसके बाद में आप अपना प्रोफाइल का प्रीसेट बना के रख सकते हो, और आप जब भी आओगे तो आपको सिर्फ ओके प्रेस करना है, ठीक है, और आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में अगर हमें बेस और ट्रेबल और ज़्यादा चाहिए तो हम उसके लिए यहाँ से बेस और ट्रेबल बढ़ा सकते हैं। ये बेस है, ये ट्रेबल है, और आप वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हो। ये यहाँ पे प्रीव्यू है, यहाँ पे वॉल्यूम आप इंक्रीज करके देख सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यहाँ से वॉइस ना इंक्रीज करें। वॉइस इंक्रीज करने के लिए मैं आपको दूसरा तरीका बता दूंगा, अब आप प्रीव्यू करके देख सकते हो। हेलो दोस्तों, अभी हम एक ऑडियो रिकॉर्ड करके, जैसा भी आपका टेस्ट है आप उस हिसाब से ट्रेबल और बेस को इंक्रीज या डिक्रीज करके अप्लाई कर सकते हो। हेलो दोस्तों, अभी हम एक ऑडियो रिकॉर्ड करके देखने वाले हैं कि बिफोर एंड आफ्टर एडिटिंग ये कैसे होने वाला है। आप देख सकते हो ऑलरेडी काफी डिफरेंस आ चुका है हमारी वॉइस के अंदर। अब हम जाएंगे, ये देखो आप हाई, यहाँ पे आपकी आवाज बहुत ज्यादा हो गई है और कई जगहों पे बहुत कम है, तो उसको कैसे मेंटेन करना है उसके लिए हम चलते हैं इफेक्ट्स में वापस से, और यहाँ पे जाएंगे वॉल्यूम एंड कंप्रेशन में। उसके बाद में हम जाएंगे लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन में अप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हो जो हाई, बहुत ज्यादा हाई थी जो बाहर जा रही थी, वो अंडर कंट्रोल आ चुकी है। उसके बाद में हम वापस से जाएंगे। अब हम एम्पलीफाई करके हम आवाज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0.5 पे मैंने कर रखा है, अप्लाई करूंगा तो थोड़ी बहुत आवाज इंक्रीज हो जाएगी। हेलो दोस्तों, अभी हम एक ऑडियो रिकॉर्ड करके देखने वाले हैं कि बिफोर एंड आफ्टर एडिटिंग ये कैसे होने वाला है। अब आपको आवाज अगर इंक्रीज करनी है तो आपके पास दूसरा तरीका वो है ही, बेस एंड ट्रेबल में जाके हम यहाँ से आवाज इंक्रीज कर सकते हैं। एक बार इंक्रीज करके देखते हैं। देखो अब आप देख सकते हो कि हमारी जो आवाज है वो यहाँ पे रेड ज्यादा आ गया है, और यहाँ पे आपकी आवाज बाहर जा रही है, मतलब कट रही है, तो ये कानों में चुभती है। वाले हैं कि बिफोर एंड आफ्टर एडिटिंग ये कैसे होने वाला है, इसको कैसे कंट्रोल करना है। इसके लिए हम लिमिटर लगाते हैं, अप्लाई पे क्लिक करते हैं ताकि हमारी जो आवाज जो बाहर जा रही है, जो कानों में चुभ रही है, वो कंट्रोल हो जाए। देख सकते हो। हेलो दोस्तों, अभी हम एक ऑडियो रिकॉर्ड करके देखने वाले हैं कि बिफोर एंड आफ्टर एडिटिंग ये कैसे होने वाला है। अब कोई भी आवाज बाहर नहीं जा रही, और जितनी भी हमारी आवाज थी, हम धीरे बोल रहे थे, तेज बोल रहे थे, वो सारा एक लेवल में हो गया। इसकी वजह से फायदा क्या होता है कि कभी कभी जो हमारे
व्यूअर होता है वो डिस्टर्ब होता है, बार बार कानों में आवाज चुभती है और बार बार आवाज कम हो जाती है, तो उसको परेशानी होती है। तो ये लिमिटर और एम्पलीफाई और साथ में नॉर्मलाइजेशन से ये चीजें थोड़ी मेंटेन हो जाती है, ताकि व्यूअर को जो एक्सपीरियंस है देखने का और सुनने का वो सूदिंग एक्सपीरियंस रहे, वापस से नॉर्मलाइज करके आवाज इंक्रीज कर सकते हैं। ध्यान रहे कोई भी आवाज क्लिप नहीं होनी चाहिए बाहर की तरफ, ऐसा नहीं हो कि आपकी आवाज क्लिप होकर कट रही हो, तो वो जो आवाज है वो कानों में चुभती है, आपको अभी फील नहीं होगी बट आपके व्यूअर को आफ्टर अपलोडिंग ये फील होता है। सो दैट्स इट दोस्तों, आई होप आपको मैं वॉइस एडिटिंग में कैसे करता हूँ वो सिखा पाया हूँ। आप अपने एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो आपको ट्रेबल कितना रखना है, बेस कितना रखना है, ये आप पे खुद के टेस्ट पे भी डिपेंड होता है और आपकी आवाज पे भी डिपेंड होता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि जितना मैंने सेट किया था फिक्स उतना ही सेट करो, उसके आसपास आप कहीं पे भी आपको जो सही लगे उस हिसाब से आप सेट करके देख सकते हो। बाकी मैं माइक यूज करता हूँ मौना कंपनी का, जो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहां पे आप जाके बाय कर सकते हो। बाकी ऐसे और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए नाइस डे।